एक ऐसा मंदिर जो बनाया था हनुमान मंदिर एक कुटिया में, लेकिन बाद में बन गया एक विशाल जगन्नाथ मंदिर। देश विदेश में भी फेमस है ये मंदिर। जूना मतलब पुराना अहमदाबाद के जमालपुर में जगन्नाथ मंदिर, जिसे जगदीश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो जानते हैं कैसे बना हनुमान मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। लेकिन भाई बलभद्र यानी बलराम, बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी का ये मंदिर है। भगवान कृष्ण यानी जगत के नाथ मूर्ति, अगर आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी की मूर्ति का इतना तेज है कि जगन्नाथ पुरी की जो मेन मूर्ति है उससे ज़्यादा तेज इस मंदिर की मूर्ति का है। मंदिर के अंदर कई भगवान और देवी देवताओं के पहले दर्शन किए, फिर आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करवाऊँगा और अंत में आरती के भी दर्शन करेगा। घंट नाथ के साथ में आरती भी सुनेगा, बीच में साइलेंट रहेगी लेकिन बाद में पूरी आरती करवाऊँगा। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं ये, और पीछे हैं संत सारंगदास जी, उनकी भी कथा सुनाऊंगा आपको। साबरमती के किनारे पहले जब जंगल थे, तब घूमते घूमते रामानंद संप्रदाय के दिगंबर अखाड़े के हनुमान दास महाराज यहाँ पहुँचे यानी अहमदाबाद, और इतनी शांति मिली कि यहीं बस गए। हनुमान दास जी ने कई चमत्कार किए थे। एक बार अपने शिष्य सारंगदास जी के साथ बैठे थे तो ज़मीन से एक हनुमान जी की मूर्ति बाहर निकला है, जिसके दर्शन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। फिर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करके हनुमान मंदिर बनवाया यानी कुटिया में हनुमान दास जी ने। लेकिन उनके जो शिष्य थे सारंगदास, अब हनुमान दास जी के साथ ही रहने लगे थे। सारंगदास जी ने हर साल ओडिशा में जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाते थे, तो हनुमान दास जी अकेले पड़ जाते थे और उन्हें अकेलापन महसूस होता था, अच्छा नहीं लगता था। तो सारंगदास जी को एक बार भगवान जगन्नाथ ने आकर सपने में कहा कि कर्णावती नगरी में मेरा मंदिर बसाओ, मेरे दर्शन करने आते हो लेकिन आपके गुरु अकेले पड़ जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, अब मैं वहीं पर आकर बास करूँगा। तो सपने में आए जगन्नाथ जी की बात मानकर जहाँ पे कुटिया में हनुमान जी थे उन्हीं के पास में ही बनाया गया जगन्नाथ जी का मंदिर। 1871 से यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है सेम जगन्नाथ जी की तरह। पहले छोटा आश्रम बना, लेकिन जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती गई लोग दान करते गए और अभी बन गया है एक विशाल मंदिर। 115 साल की उम्र में हनुमान दास जी स्वर्ग लोक को गए और गद्दी संभाली फिर उसके बाद सारंगदास जी ने, और उसके बाद सारंगदास जी की नज़र पड़ी एक गौ सेवा पर नरसिंहदास जी को, तो उनके बाद गद्दी उन्होंने संभाली। इसी तरह एक के बाद एक गद्दी संभालते गए और मंदिरों का विकास होता गया। मंदिर कई धार्मिक कार्य भी करता है, कैंसर हॉस्पिटल बनाने में भी दान दिया था, गौशाला भी बनाई, गरीबों की सेवा की जाती है यहाँ पे डेली, भूखों को अन्न खिलाया जाता है, जितने भी भक्त आते हैं बिना प्रसाद खाए नहीं जाते, साधु संतों को खाना खिलाया जाता है, भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। पास में ही है एक जगह पिजाना, पिजाना में बनाई गौशाला जहाँ पे 1250 गाय हैं, उनका दूध फ्री में बांटा जाता है, दूध छाछ प्रसाद में बांटा जाता है। बैल जो होते हैं गौशाला में उन्हें किसानों को फ्री में दे दिया जाता है, फ्री में गौमूत्र और बनाई हुई दवाइयाँ फ्री में बांटी जाती हैं। पंचकर्म का मेडिकल हॉस्पिटल भी चलता है और मंदिर की तरफ से वेद पाठशाला भी चलती है। तो मंदिर में आपका किया हुआ दान सही मायने में जाएगा, तो गूगल में सर्च करके अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर में आप अपना दान करके अपने पैसों को सार्थक कर सकते हैं। दर्शन घर बैठे करवा दिए हैं तो कमेंट में जाकर जय जगन्नाथ तो आप लिख ही सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, रोज़ एक मंदिर के दर्शन, घर बैठे रोज़ एक मंदिर के दर्शन कराऊंगा, और आप भी ऐसे ही लोगों को दर्शन करवा के पुण्य कमाइए। शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आरती भगवान की साक्षात आप सुनेंगे घंट नाथ के साथ में, अभी तो साइलेंट है, तो बने रहिएगा।
जय जगन्नाथ, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ भगवान की जय।